तो इसी प्रकार से जैसे अभी जो आज के समय में आप देख लीजिए, बहन जी ने कन्यादान था लड़कियों के लिए, उसके बाद फ्री ऑफ एजुकेशन था कि आप कोई भी आप कंपटीशन के अकॉर्डिंग के बाद में आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। आज मैं युवा हूं, मैं बीएससी करके बैठा हुआ हूं, मुझे बीएड करना था, इतना मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं बीएड की फीस भर सकूं, लेकिन बहन जी का एक शासन काल था उस समय सारे बच्चों को अगर बीएड कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की कोचिंग या कोई भी कर रहे हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार दे रही थी। आप क्या कहते हैं ये लोग कि आप पहले 50,000 रुपये 55,000 रुपये फीस जमा करो और उसके बाद स्कॉलरशिप आएगा तो उसमें माइनस हो जाएगा। स्कॉलरशिप आने की कोई गारंटी नहीं होती। मैंने आईटीआई की, आईटीआई का फीस नहीं आया, मुझे 21,000 रुपये भरना पड़ गया। तो ये बहन जी के उसमें नहीं था। आप शिक्षा पे जोर दीजिए, बहन जी का एक ही नारा, आप शिक्षा बनिए उसके बाद रोजगार तो हम देने की गारंटी देते हैं। तो बहन जी का यही है, इसी से कारण युवा जो ज्यादातर है वो बहन जी के साथ। इस बार आप किसको वोट देंगे? मायावती जी को और कैम बजर खान भाई को देंगे। हम लोग पूरे वो है वही जीते, बहुत मेहनत किया था हम लोगों साथ में। हम मायावती जी को वोट देंगे, कैम रजा पार्टी को देंगे। और मेरा नाम है मेहताब जहां, और ये पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं और घर बार हर चीज़ से मदद की है, लोगों की बड़े बड़े उसमें काम किए हैं। मायावती बहन बहुत अच्छी हैं, हम लोग तो यही चाहते हैं कि वही इस बार निकल जाए तो ज़्यादा ही बेहतर है। हम लोग अच्छे से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं बहन जी ही को पसंद करती हैं क्योंकि उन लोग ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है, हमदर्दी है और सहायता है, और ये कि हम लोग के बुरे वक्त पे वही काम आई हैं और घर बार सब कुछ उन्हीं ने, मेरी बहन ही ने दिया। मेरा नाम है मोनिका वर्मा और आप देख रहे हैं समतावास टीवी। इस वक्त हम फेसबुक से लाइव हैं और जैसा कि आप जानते हैं आज हम आए हैं लखनऊ में 171 विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे हमारी कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं। इनसे आज हम बात करेंगे कि आने वाले 2022 के चुनावों में किसको वोट दे रही हैं। आइए आप पहले अपना परिचय दीजिए, बताइए हमारे दर्शकों कि आज इस बार आप किसको वोट देंगी। मायावती जी को और कैम बजर खान भाई को देंगे। हम लोग पूरे वो है वही जीते, बहुत मेहनत किया था हम लोगों साथ में। आपके क्षेत्र से कौन खड़ा है प्रत्याशी, कौन है? कैम बजर खान भाई। अपना परिचय दीजिए पहले जी, मतलब अपना नाम बताइए। सफीना जी, आप बताइए आप किसको वोट देंगे? हम मायावती जी को वोट देंगे, कैम रजा पार्टी को देंगे। और मेरा नाम है मेहताब जहां, और ये पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं और घर बार हर चीज़ से मदद की है, लोगों की बड़े बड़े उसमें काम किए हैं, और जो है जैसे लड़के होगी शादी ब्याह इसमें सब सहायता की है, और खाना पीना राशन पानी पैसा कौड़ी सबको दिया है, सबकी सहायता की है। तो हम इसी वजह से इस पार्टी के उससे समझ से और इन्हीं को कायम रजा भाई को वोट देंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मदद सबकी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सबको वो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बताइए अपना नाम बताइए। मेरा मीना खान नाम है, और जो है कैम रजा खान बहुत अच्छे हैं, 80,000 औरतों को मतलब राशन दिया है और जो है दवा इलाज के पैसे देते हैं, घर घर पे राशन पहुंचाया है, गरीबों की मदद भी करते हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि उनको सब पूरी पब्लिक मतलब वोट उनको से जिताए और जो है इसका क्या नाम है मतलब गरीबों के साथ में मकान वकान देने के लिए बोला है कि जीत जाएंगे तो मैं मकान वकान दूंगा, और उसका क्या नाम है कि जो परेशान भी रहते तो वो मेरे पास आए और बहुत हेल्प करते हैं सबकी गरीबों की, और उसका क्या नाम है कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं मेरे रजा खान भाई, और हम लोग यही चाहते हैं कि वो बुलंदियों से अल्लाह पाक उनको जिता दे, बहुत अच्छा काम करते हैं, हर एक की हेल्प समझते हैं, मजबूरी समझते हैं, परेशानी समझते हैं, और वैसे हम लोग तो यही चाहते हैं कि पूरी जितने भी आम जनता है हमारे तरफ की सब उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा ये बताइए मायावती जी ने ऐसा क्या काम किया है हिंदू मुस्लिम को ले जितने जो कि आप उनके साथ खड़े हैं? हम लोगों ने मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अभी सालमऊ में जो वाटर पार्क बना है तो उन्होंने जो है मतलब कॉलोनी सब उन्होंने दिया है, सबको दिया है, पर हम लोगों को जब वो सब खत्म हो चुका था तब उसके बाद पता चला तो हम लोग पहुँच नहीं पाए। मायावती बहन बहुत अच्छी हैं, हम लोग तो यही चाहते हैं कि वही इस बार निकल जाए तो ज़्यादा ही बेहतर है। आप कुछ बताइए। ऐसा है कि गरीबों की मदद की है, रहने का वो किया है, बहुत अच्छे से सहायता की है, और जगह जगह इंसान कभी राशन कभी कुछ कभी घर का सुविधा दी है, और भी बहुत से ऐसे अच्छे काम किए हैं कि हम लोग यही चाहते हैं कि मायावती बहन जी को जिताएं और जो उनके मतलब प्रत्यक्ष हैं उन्हीं को कायम रजा भाई को अच्छे से अच्छे वोट देकर उनको जिताएं। बसपा आने वाली बसपा पार्टी के लिए आपके लिए क्या उम्मीदें हैं कि आने वाले इलेक्शन में क्या करेंगे? कोई उम्मीदें उनसे कोई नहीं है, कुछ तो उम्मीद होंगे कि आपके लिए क्या आपके उद्धार के लिए वो क्या करेंगे? वो
भाई हम लोग से तो कोई ऐसा उनका चांस नहीं पड़ा है, और चांस पड़ा भी तो उन लोग ने कोई हम लोग की सहायता नहीं की है भाई, मतलब फीलिंग दी है कि हिंदू मुसलमान वाली फीलिंग दी है। हाँ आपको जैसे कि मुस्लिम महिलाएं बहन जी को बहुत पसंद कर रही हैं, इसमें आप कुछ बताइए। हम लोग अच्छे से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं बहन जी को पसंद करती हैं, क्योंकि उन लोग ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है, हमदर्दी है और सहायता है, और ये कि हम लोग के बुरे वक्त पे वही काम आई हैं, और घर बार सब कुछ उन्हीं ने, मेरी बहनी ने दिया है। चलिए तो जैसे कि आपने सुना कि अब जो मुस्लिम महिलाएं पूरी तरीके से मायावती जी को बहन जी को अपना समर्थन देती हैं, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार रावत है। जी आप बताइए, आप यहाँ से क्षेत्र से हैं, तो आप ये बताइए जो यहाँ से जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी, आप उनके बारे में बताइए कि आपके लिए उनके आपके मन में उनके लिए क्या उम्मीदें हैं। जी कायम रजा जी जो हैं वो एक्चुअली कहते हैं ना कि नेता नहीं होते हैं, उनके अंदर नेता वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन उनके अंदर भाई वाली फीलिंग है। आप किसी भी कोई भी आपके घर में समस्या हो, हाँ नेता तो बनेंगे तब बनेंगे, अभी वो कम से कम 20 साल से आप उनको देखते होंगे, अगर आपके घर में थोड़ा सा भी समस्या, अगर बुखार भी अगर उनको अगर जानकारी मिल गई तो वो आपकी मदद करने जरूर आ जाएंगे। तो अच्छा, बिल्कुल दोस्त की तरह रिश्ता रखा है उन्होंने। मैं आपको चाहे आपको उनके कार्यालय जाइए, आप छोटा भी बच्चा जाएगा तब भी उसको आप ऐसा ट्रीट करेंगे, उनको ये नहीं फील होगा कि हम किसी विधायक के प्रत्याशी के साथ में बैठे हुए हैं, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह भाई की तरह बिल्कुल ट्रीट करते हैं। तो ये उनके अंदर क्वालिटी है कि वो पूरे क्षेत्र को लेकर के चल रहे हैं अच्छे से, हाँ तो इसीलिए सब पूरा जनता है जो अब की बार कायम रजा के साथ में बीएसपी के साथ में है। अच्छा रोजगार के लिए आप क्या उम्मीदें रखते हैं बीएसपी से? देखिए रोजगार के मामले में अगर बात करेंगे तो बीएसपी का कोई किसी बीएसपी के अलावा और कोई भी पार्टियां जितनी भी उसके आगे कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला बहन जी का है उसके माध्यम से आप चाहे विकास की बात करेंगे या रोजगार, जब आपका विकास होगा तभी आप उसमें रोजगार डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि बहन जी के पास में रोजगार पैदा करने के लिए ना नई नई टेक्निक होती है कि कहां से हमको रोजगार युवाओं को देना पड़ेगा। जैसे अगर पिछला शासन देख लीजिएगा, हाँ नई भर्तियां निकालने का एक तरीका, सफाई कर्मचारियों की 2 लाख से ज्यादा भर्तियां निकाली, जिसमें एक जो लोग अनपढ़ थे गांव में जिनके घर में एक समय की रोटी नहीं चलती थी, आज वो 21,000-27,000 रुपए सफाई कर्मचारी के से उठा रहे हैं। जैसे आपका जितने भी पार्क वगैरह बनाए गए हैं वहां पर आप देख लीजिए नलकूप ऑपरेटर, टिब्बुल ऑपरेटर, ठीक है, और सफाई कर्मचारी जितने भी गार्ड है उनके लिए एक अलग से बनाया गया, ठीक है, एक वो बना करके संस्था बना करके उसको परमानेंट किया गया, और आज उनके घर में 20-22,000 रुपए सैलरी पर मंथ आ रही है। जितने पर्यटन स्थल बनाए बहन जी ने उसमें काफी सारा मतलब रोजगार मिला है, काफी सारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको काफी रोजगार मिला है। जी तो इसी प्रकार से जैसे अभी जो आज के समय में आप देख लीजिए बहन जी ने कन्यादान था लड़कियों के लिए, उसके बाद फ्री ऑफ एजुकेशन था कि आप कोई भी आप कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग के बाद में आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। आज मैं युवा हूँ, मैं बीएससी करके बैठा हुआ हूँ, मुझे बीएड करना था, इतना मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं बीएड की फीस भर सकूं, लेकिन बहन जी का एक शासन काल था उस समय सारे बच्चों को अगर बीएड कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की कोचिंग या कोई भी कर रहे हैं उसमें फ्री आपका सरकार दे रही थी। आप क्या कहते हैं ये लोग कि आप पहले 50,000-55,000 रुपये फीस जमा करो और उसके बाद स्कॉलरशिप आएगा तो उसमें माइनस हो जाएगा, स्कॉलरशिप आने की कोई गारंटी नहीं होती। मैंने आईटीआई की, आईटीआई का फीस नहीं आया, मुझे 21,000 रुपये भरना पड़ गया, तो ये बहन जी के उसमें नहीं था। सबको जो गरीब तबके का लोग था उसको भी आप फ्री ऑफ एजुकेशन मिला, वो भी बीएड करके आज टीचर बने घूम रहे हैं, हाँ अच्छी अच्छी पोस्टों पे आप नौकरी कर रहे हैं। तो ये चीजें उनके अंदर हैं जो आज कहते हैं ना कि रोजगार को कैसे पैदा किया जाए। मतलब अन्य सरकारों में भ्रष्टाचार बहुत देखा गया है कि स्कॉलरशिप पैसा खाया, काफी बच्चों खाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई भी सरकार देख लीजिए, आप पुलिस के आप देखेंगे कि पुलिस की भर्तियां होती हैं, पुलिस का पद एक ऐसा होता है एक सिपाही है तो सोशल में मतलब लोगों के बीच में जाता है, अगर उसको सामाजिक जानकारी नहीं होगी, अगर वो पुलिस बन गया है या सिपाही बन गया है तो वो क्या करेगा, पक्षपात करेगा, जातिपात करेगा, लेकिन अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है समझदार है तो वो एक देखेगा कि किसकी गलती है, सोच के बाद में उस पर निर्णय लेगा। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है अगर उसको पुलिस बना दोगे तो उससे जो आम जनता है वो भटक उसको मतलब परेशानी हो जाती है और जो पावरफुल लोग हैं वो बच करके निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप शिक्षा पे जोर दीजिए, बहन जी का एक ही नारा कि आप शिक्षा बनिए उसके बाद रोजगार तो हम देने की गारंटी देते हैं, तो बहन जी का यही है, इसी से कारण युवा जो ज्यादातर है वो बहन जी के साथ में है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, चलिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।